नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स बने पीएम मोदी। सचिन तेंदुलकर भी शीर्ष 50 में शामिल। एनएसए स्तर की बैठक से पहले उज्बेकिस्तान के सुरक्षा परिषद के सचिव से मिले जयशंकर। अफगानिस्तान पर चर्चा। सेना की जरूरतों की नहीं की जा सकती अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीमा पर बेहतर सड़कों की जरूरत। तमिलनाडु बाढ़ पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त। कहा बारिश बाढ़ सरकारी अधिकारियों के लिए सबक। ट्रांसजेंडर मुजम्मा जोगती को मिला पद्मश्री अवार्ड। लेने पहुंची फोकस डांस ने अनोखे अंदाज में किया राष्ट्रपति का अभिवादन। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में मंथन। ईरान ने देश में समावेशी सरकार का किया आह्वान। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख। 30 नवंबर को संभालेंगे पद। थम नहीं रहा आरोप प्रत्यारोपों का दौर। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। अनियंत्रित विदेशी अंशदान के हो सकते हैं विनाशकारी प्रमाण। परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में बोला केंद्र। धनशोधन मामले में मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कहा ईडी के हाथों में कठपुतली है सचिन वांझे। जम्मू कश्मीर में सेना का सबसे लंबा ऑपरेशन जारी। ओवरग्राउंड वर्कर्स का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त। 26 गिरफ्तार। भारत चीन तनाव के बीच हांगकांग ने दी कोवैक्सीन को मंजूरी। अब तक 96 देशों से मिला अप्रूवल। यूपी चुनाव लड़ने के लिए बिहार के प्रशासनिक अधिकारी ने छोड़ी नौकरी। मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाले इलाके में दे रहे हैं चुनौती। बंगाल में ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में किया बदलाव। वित्त विभाग रखा अपने पास। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन पर बोले सीएम योगी 4 से 6 सप्ताह में मिलेगी मेट्रो की सुविधा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। सुल्तानपुर में लगा एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर। लखनऊ में डायल 100 के वाहन पर लहराया सपा का झंडा। लगाए अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे। समय से फ्लैट न देने पर रेरा ने जीडीए पर लगाया जुर्माना। हर आवंटी को देने होंगे 5 से 7 लाख। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा 1,100 रुपए का चेक। कहा खरीद कर दिखाएं यूनिफॉर्म।
अलीगढ़ में राहुल गांधी को भेजा गया कानूनी नोटिस, भाजयुमो पूर्व जिलाध्यक्ष ने भेजा नोटिस। अलीगढ़ एमयू कैंपस में कुत्तों का आतंक, बच्ची पर तीन कुत्तों ने किया हमला। आजमगढ़ में अधिकारियों ने यशपालपुर गांव का निरीक्षण किया, विश्वविद्यालय कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। फरीदाबाद में लघु सचिवालय में बेहाल सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं। लखीमपुर खीरी में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव, शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। लखीमपुर खीरी में हाथियों के झुंड ने बचाया उत्पात, घंटों सड़क पर फंसे रहे वाहन। लखनऊ के ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, संजय निषाद के बयान पर किया पलटवार। महाराजगंज में दिन दहाड़े युवती से हुई लूट, 5 लाख रुपए छीन कर बदमाश हुए फरार। मिर्जापुर में विंध्याचल पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह, माता विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन। शाहजहांपुर में आशा बहुओं को पुलिस ने पीटा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आजमगढ़ में 100 शैया अस्पताल में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, रात 10 बजे तक लगाई जाएगी वैक्सीन। फतेहपुर में सिपाही ने किया आत्महत्या का प्रयास, सिपाही ने खाया जहरीला पदार्थ। लखीमपुर खीरी में मुर्दों को मिल रहा योजनाओं का लाभ, मृतक को दी जा रही वृद्ध पेंशन। मथुरा में मोबाइल लूट किया आरोपी गिरफ्तार, चालक से लूटे थे ओप्पो के मोबाइल फोन, नशीला पदार्थ खिलाकर लूटा था फोन। रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में 6 तस्कर हुए गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में बुजुर्गों का सहारा बना वृद्धाश्रम, 58 लोगों को वृद्धाश्रम ने बनाया अपना घर। आगरा में कार्यकर्ताओं से मिले सूर्य प्रताप शाही, आगामी चुनावों को लेकर हुई चर्चा। औरैया में सूचना विभाग ने लगाई प्रदर्शनी, जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। फरीदाबाद में दिन दहाड़े बदमाश ने चलाई गोली, गोली लगने से 2 युवक घायल। रायबरेली सीओ सिटी बांटे गुलाब के फूल, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को दिए गए फूल। आगरा में नौकरी के नाम पर 4 लोगों से ठगी, गोवा के रहने वाले थे चारों लोग, पीड़ित लोगों में एक महिला भी शामिल।
लखनऊ में सीताराम कुशवाहा ने थामा सपा का हाथ। बीएसपी विधानसभा प्रत्याशी थे सीताराम कुशवाहा, कई पंचायत सदस्य हुए सपा में शामिल। मथुरा सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा आगमन, आगमन से पहले कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी हाउस अरेस्ट। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज विधायक ने की समीक्षा बैठक, धर्मरक्षा मंच के बैनर तले होगा कार्यक्रम। लखनऊ में यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुंबई का रहने वाला है तस्कर तौहीद बशीर। हरिद्वार में देवेंद्र प्रधान का दौरा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लालकुआ में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन, सरकार पर जमकर साधा निशाना। मसूरी में राज्य स्थापना दिवस पर जमकर जश्न, जमकर थिरके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। पौड़ी गढ़वाल में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कार्यक्रम। पौड़ी गढ़वाल में डायबिटीज के रोगियों को फायदा, मिलेगा निशुल्क इंसुलिन के इंजेक्शन। पौड़ी गढ़वाल में राज्य स्थापना दिवस पर हुआ ध्वजारोहण, सुबोध उनियाल ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। ऋषिकेश में शक्ति केंद्रों से विधानसभा चुनाव का आगाज, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने की कैंपिंग। ऋषिकेश में आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, अपने विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे कर्मचारी। ऋषिकेश में कांग्रेस की जन जागरण पद यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे मौजूद। सितारगंज में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत। सितारगंज में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम पूरी तरह रहा फ्लॉप। चमोली में भूस्खलन की समस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिलाधिकारी ने किया प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। चमोली में बद्रीनाथ धाम पहुंची उमा भारती, देश की खुशहाली और समृद्धि की मांगी दुआ। विकासनगर में जीवनगढ़ में खुला हेल्थ केयर सेंटर, पूर्व विधायक ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ उपवास रख दिया धरना, संकल्प रैली की अनुमति नहीं मिलने से नाराज। मलाला यूसुफजई ने किया निकाह, पिक्स शेयर कर मांगा आशीर्वाद। पश्चिम अफ्रीका के नाइजर के स्कूल में आग लगने से 20 बच्चों की झुलसने से मौत।
पाकिस्तान के बाद अब चीन ने मारी पलटी, अफगानिस्तान पर एनएसए कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा शामिल। इमरान खान के एडवाइजर की धमकी, टैक्स नहीं दोगे तो वोट का हक भी नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड में वैक्सीनेशन लॉकडाउन के विरोध में लोगों ने संसद के सामने निकाली रैली। म्यांमार में गिरफ्तार किए गए अमेरिकी पत्रकार पर देशद्रोह और आतंकवाद का आरोप भी लगाया गया। ब्रिटेन में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी रॉल्स रॉयस, लगभग 2 फुटबॉल मैदानों की जगह होगी स्थापित। सहायता देकर किसी देश को कर्जदार नहीं बनाता भारत, यूएनएससी में खुली बहस में चीन पर बड़ा हमला। चीन के शहर में कोरोना वॉर, संक्रमितों को ट्रेसिंग से मदद करने पर मिलेगा मोटा इनाम। कट्टरपंथियों द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने किया उद्घाटन। आरबीआई कर रहा पहला हैकाथॉन, 40 लाख रुपए जीतने का है मौका। क्रिप्टो से कमाने वालों पर टैक्स लगाने की तैयारी, सरकार अगले सेशन में पेश कर सकती है बिल। कानूनी सेवा क्षेत्र खोलने से भारतीय वकीलों को होगा लाभ, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी बाजारों में संभावना, पीयूष गोयल ने दिया बयान। पेट्रोल डीजल पर शुल्क कटौती से सरकार को 60,000 करोड़ का नुकसान। इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए बड़े बैंकरों के साथ बैठक करेगा एफएम निर्मला सीतारमण ने कहा। आनंद महिंद्रा बोले, मैं पद्म पुरस्कार के लायक नहीं, तुलसी गौड़ा की फोटो शेयर कर कही दिल छू लेने वाली बात। पीएनबी ग्राहकों को झटका, बैंक 1 दिसंबर से सेविंग अकाउंट में करने जा रहा है बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकता है सीधा असर। पेंशनर के लिए खास सुविधा, वो वीडियो कॉल से ही जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। छठ पूजा पर सरकारी कर्मियों को मिली खुशखबरी, डीए में की गई 9% की बढ़ोतरी। यूपीएमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चलेगी वीकली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों टीमें फाइनल खेलने की हकदार, पावर प्ले का परफॉर्मेंस होगा अहम। रोहित को T20 टीम की कप्तानी, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और हर्षल पटेल को पहली बार मौका, हार्दिक पांड्या बाहर, विराट को हरा। स्पोर्ट्समैनशिप की मिसाल, मैराथन पूरी होने से 200 मीटर पहले गिरा रनर, दो साथियों ने फिनिश लाइन तक पहुंचने में की मदद।
जयपुर में दर्शकों की मौजूदगी में होगा भारत न्यूजीलैंड T20 मैच। वैक्सीनेशन की एक डोज लगनी अनिवार्य। 1 से 15 हजार रुपए तक का होगा टिकट। T20 वर्ल्ड कप 2021 का सर्वश्रेष्ठ मुकाबला हो सकता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। सुनील गावस्कर ने कहा। बायो बबल फटेगा या नहीं, बीसीसीआई ने कहा कार्यभार प्रबंधन पर हमारा पूरा ध्यान। पूर्व क्रिकेटर लेस्ली मर्डोक वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त। 2022 में प्रेसिडेंट डेबी हॉकले का कार्यकाल होगा समाप्त। बाबर आजम ने बताया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में दो खिलाड़ी करेंगे अच्छा प्रदर्शन। पाकिस्तान क्रिकेट से मलाला यूसुफ जई के पति का गहरा नाता, फ्रेंचाइजी के भी थे मालिक। T20 वर्ल्ड कप 2021 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच ने रचा इतिहास, प्रसारकों ने किया ऐलान। सलमान खान के शो में बिगड़ी राकेश बापट की तबीयत, होना पड़ा अस्पताल में भर्ती। अमिताभ बच्चन की नातिन ने बरसाया नानी पर प्यार, जया बच्चन के साथ नव्या नवेली नंदा ने शेयर की प्यारी सी तस्वीर। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने किया प्रियंका चोपड़ा के गाने पर ऐसा डांस कि मोनालिसा का वीडियो होने लगा सोशल मीडिया पर वायरल। लॉर्ड्स की गैलरी से तापसी पन्नू ने किया ऐलान, मिताली राज की बायोपिक कंप्लीट। कैटरीना का वेडिंग वेन्यू 700 साल पुराने किले में होगी दोनों की शादी। रजवाड़े खत्म होने के बाद खंडर में तब्दील हो गई थी इमारत। मुनमुन दत्ता ने मुंबई में खरीदा नया घर, तस्वीरें शेयर करते हुए बोली जीरो से शुरुआत करते हुए आज जहां हूं मुझे खुद पर गर्व है। मुंबई में कुत्ते की शूटिंग, अर्जुन कपूर ने की शुरू, फिल्म के लिए कैंसिल की क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी। जमानत के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी के साथ दिखे राज कुंद्रा, हिमाचल के मां चामुंडा देवी मंदिर पहुंचे दोनों। बेटे अरहान के 18वें जन्मदिन पर मलाइका अरोड़ा ने शेयर की फोटो, कहा मेरे बर्थडे बॉय मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूं। बहन कंगना रनौत को पद्मश्री सम्मान मिलने से खुश, रंगोली चंदेल बोली मुझे बहुत गर्व है और खुशी महसूस कर रही हूं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।